राम मंदिर को लेकर इन दिनों देश में उत्सव का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंजमान है। एक तरफ तो राम की भक्ति में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर राजनीति से लेकर खूब बयानबाजियां भी हो रही हैं। देश में तो राम के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज यूपी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि होड़ तो सबको है ना राम के नाम पर वोट बटोरने की। आज भारत एट नाइन में आपको समाजवादी पार्टी, जो कि यूपी की पुरानी पार्टी है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भी है, उसके कुछ ऐसे बयानों से, फैसलों से रूबरू कराएंगे जिसने देश में खूब सुर्खियां बटोरी है। अब राम की बात चारों तरफ हो रही है तो कोई ये कैसे भूल सकता है जब राम सेवकों पर समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवा दी थी। जो सपा ये कह रही है राम तो सबके हैं, किसी एक के नहीं, राम तो कण कण में है, तो क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी डर गई है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने इतिहास में कुछ भूल की है तो वर्तमान में आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद अपनी ना तो भूल का एहसास है और ना ही डर। तभी तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अजीबोगरीब बयानबाजियां सपा कर रही है। या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हो। तो चलिए और खुद को समाजवादी कहने वालों का चरित्र चरितार्थ करते हैं, राम मंदिर से शुरुआत करते हैं। 90 का दशक था और बाबरी मस्जिद विवाद उस समय अपने चरम पर था। हुआ ये कि इन्हीं सालों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। इसको लेकर राम भक्तों की तैयारी भी पूरी थी और उस समय यूपी की कमान थी मुलायम सिंह यादव के हाथ। उस दौर में एक बयान मुलायम सिंह यादव का काफी ज्यादा चर्चा में आया। वो बयान था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बात उन्होंने बाबरी विध्वंस के 2 साल पहले कही थी। दरअसल तारीख थी 30 अक्टूबर, साल था 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। उस दौर की खबरों की माने तो कार सेवकों का एक गुट पहुंच गया बार्केटिंग के पास। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बार्केटिंग के हिस्से को तोड़ दिया, मस्जिद की ओर बढ़ने लगे और इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया। ये ग्रीन सिग्नल था गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चलाई गई, कई कार सेवकों की जान चली गई, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का महज एक छोटा सा अध्याय था। अभी और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990, इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक थे उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। फिर से आदेश आया फायर। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुई। 2 नवंबर 1990 को कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया था, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदुवादी संगठनों ने उन्हें उपमाएं देने लगे, उन पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप भी लगने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और इस 1990 के कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने अपनी कुर्सी गंवा दी। फिर कुर्सी पर बैठे
कल्याण सिंह। इसके बाद एक और बयान मुलायम सिंह यादव का काफी ज्यादा वायरल हुआ था और ये बात थी 2016 की। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक गोलीकांड को लेकर कहा था कि अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा होगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर 16 जाने तो कम थी, अगर 30 भी जाने जाती देश की एकता के लिए तो भी मैं अपना फैसला वापस नहीं लेता। यानी एक तरफ तो कार सेवकों पर गोली चलवाई और इतने सालों बाद जो बयान दिया तो भी सीख नहीं। हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, गोली चलानी पड़ी, गोली चलानी पड़ी। अब यहां से समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि सपा हिंदू विरोधी है। हर जगह मुलायम के इस फैसले की आलोचना होने लगी। अब सवाल यह है कि 550 सालों के इंतजार के बाद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने जा रही है तो क्या इससे सपा डर गई है या सपा को यह एहसास हो गया है कि उसने इतिहास में जो गलती की है या राजनीति के लिए ये भी अब राम नाम भज रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, वैसे भी राम जी का मंदिर बन रहा है, वो भगवान है और भगवान का बुलावा कब कहां किसको आ जाए कहां नहीं जा सकता। पहले बयान सुनिए। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तो तुम क्या रुक पाओगे? तो आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप चाहते भी हैं कि राम मंदिर में जाएं, दूसरी तरफ आप आलोचना भी करते हैं कि राम को मोदी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिसके कार्यकाल में बड़ा फैसला आया क्या वो श्रेय नहीं लेगा? हो सकता है कि राम को मोदी की जरूरत नहीं है लेकिन करोड़ों हिंदुओं को तो राम की जरूरत है, जिन्होंने अपने आराध्य को पूजने के लिए, उनके जन्म स्थान के लिए 550 साल इंतजार किया। हम ये नहीं कह रहे कि राम मंदिर पर श्रेय बीजेपी को मिलना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए, चाहे वो अच्छा काम पक्ष करे या विपक्ष। ये जो काम है वो विपक्ष की झोली में भी आ सकता था अगर कार सेवकों पर वो गोलियां ना चलवाते तो। राम जी के घर वापसी हो रही है। त्रेता युग के बाद एक बार फिर से अयोध्या भगवान राम लौट रहे हैं, तो जब उस युग में दिवाली मनाई गई थी, दीपोत्सव हुआ था, तो अब क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को दिए जलाएं, दीपावली मनाएं और भगवान राम की पूजा अर्चना करें। देश खुश है, दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों पर है, सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर आपको दिख जाएंगे, बाजार सज चुके हैं, राम से जुड़ी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन यहां भी राजनीति अछूती नहीं रही है। दरअसल सपा सांसद मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि सभी के घरों में दिए जलाने के लिए घी भी घर घर भिजवा दे। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? क्या अपने आराध्य के लिए कोई दिए भी नहीं जला सकता? क्या इसके लिए भी हमें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत पड़ेगी? सुनिए डिंपल यादव क्या कुछ कह रही है। नहीं, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है, भाजपा के संगठन वाले गांव गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए जला पाए। डिंपल यादव की बात करें, भले ही वो उत्तर प्रदेश में आई हो ब्याह कर,
लेकिन वो पैदा तो उत्तराखंड में हुई थी। डिंपल यादव उत्तराखंड से ही आती है, मतलब उनका मायका उत्तराखंड है। तो क्या डिंपल ये भूल गई इस राजनीति में कि उनके मायके ने क्या क्या सहा, किस तरह से उनके ससुर मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड के लोगों पर गोलियां चलवा दी थी? क्या वो उसको दर्द को भूल गई है, इसलिए तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है? लेकिन भगवान राम को लेकर वो कभी कहती हैं कि जरूर जाएंगे, निमंत्रण आएगा, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। ये किस तरह का स्टैंडर्ड है, किस तरह का दोगलापन है, समझ पाना मुश्किल है। ये फहरिस्त यहीं तक ही नहीं रुकती है। चाचा शिवपाल यादव भी लगातार राम मंदिर को लेकर बयानबाजियां करते आ रहे हैं। शिवपाल यादव कहते हैं कि ये मंदिर सबका है, इस पे मोदी का हक नहीं है, इस पर बीजेपी का हक नहीं है। देखिए, हक तो सबका है, लेकिन उनको कैसे राम मंदिर आने का आगमन दे दे, निमंत्रण दे दे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो कहते हैं कि मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज राम आपको याद आ रहे हैं क्योंकि वोट की राजनीति करनी है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हिंदू जो है वो आपसे बिखर रहा है, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, पिछड़ा हिंदू हो, दलित हिंदू हो, सब आपसे पिछड़ रहा है। तो आपको आज राम की याद आ रही है, लेकिन माफी आज आप भी नहीं मांगेंगे, आज भी आप माफी नहीं मांगेंगे, आज भी आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। हो सकता है कि भगवान राम आपको माफ कर दे, लेकिन वो परिवार शायद आपको माफ ना कर पाए जिन्होंने अपनों को खोया। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, भगवान तो सबके हैं। तो ये दौर है, ये वक्त है कि आप माफी मांग ले। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई माफी मांग ले तो उसका पाप जो है वो कम हो जाता है। यही हमारे सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है कि माफी मांगना, प्राश्चित करना बहुत बड़ी बात है, और माफ कर देने वाला तो उससे भी बड़ा हो जाता है। हो सकता है कि आम जनता आपको माफ कर दे, हो सकता है परिवार आपको माफ कर दे, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां करते रहेंगे तो उनके जख्मों पर और ज्यादा आप नमक छिड़क रहे होंगे। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। राम मंदिर पर इतिहास क्या रहा समाजवादी पार्टी का, वो हमने आपको बताया है। इस तरह की और भी बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तो समय आ गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब हो सके तो राम नाम भजे और वाकई राममय हो जाए। हो सकता है कि आपकी भी नैया पार हो जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे भारत एट 9 में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।